छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। किसान धान बेचने के लिए किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। बारदाना की मांग को लेकर हुए चक्का जाम के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लाठीचार्ज के विरोध कर रहे और धान खरीदी के समय बढ़ाने की मांग कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की हमारे स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। इस वक्त आम आदमी की पार्टी है और हम राजधानी रायपुर के कलेक्टर दफ्तर पे मौजूद हैं। यहाँ किसान के समर्थन में और अपनी मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे चर्चा करते हैं। किसान जो परेशान हो रहे हैं उन पे लाठी चार्ज हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सरासर अन्याय है। किसानों के दम पे ये कांग्रेस की सरकार बनी है और आज ये किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। भूपेश सरकार इतने घमंड पे मत रहे कि ये सरकार किसान बना सकते हैं तो इसको उतार भी सकते हैं। ये बारदाना की अचानक कमी खरीदी केंद्रों में देखी जा रही है, ये नहीं खरीदने का बहाना है या वाकई में कमी दिखती है? ये नहीं खरीदने का बहाना है। देखिए, अभी अचानक बारिश हुई, बारिश होने के कारण किसानों का धान 15 दिन तक खरीदी नहीं किया गया। पानी गिरने के कारण फड़ गीला रहता था और किसानों की स्थिति अभी इतनी खराब है। आप सोचिए, उन्हारी बोते हैं हमारे यहाँ तीवरा का, वो पूरा बारिश के नाम से पूरा खराब हो गया है, धान पूरी खरीदी नहीं गई है। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसका 15 दिन समय बढ़ाया जाए, किसानों का धान पूरा लिया जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसान हैं, किसानी से जुड़े हैं, किसान का अपडेट रखते हैं, कितने धान खरीदी अब तक हो चुकी है और कितने लोग अभी नहीं बेच पाए? किसान कितने धान अभी बचे हैं? अभी 80% खरीदी हो चुकी है, 20% अभी किसान बचे हैं धान खरीदी के लिए। टोकन को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा मचा है प्रदेश में। अभी 4 टोकन के खरीदने की बात की थी सरकार ने यहाँ पे, और 3 टोकन की खरीदी हो रही है, फरवरी से 4th टोकन बंद है। सर, आप देखेंगे जब से धान खरीदी चालू हुआ है किसी न किसी प्रकार का बहानाबाजी चल ही रहा है। कुल मिलाकर के किसान मजबूर हो गए हैं कि वो अपने धान को ये बिचौलियों के बीच बेचने पे मजबूर हो गए हैं। किस्त में कैसे मार खा रहा है किसान? जैसे एक किस्त में 200 बोरी लेना है तो 100 ले रहे हैं, ऐसी खबर है, कैसे परेशान किया? जैसे मेरा 5 एकड़ का खेत है, मेरा 100 बोरा धान हुआ है तो 100 बोरा धान को 4 किस्तों में लिया जा रहा है। तो अभी आपने उन जनप्रतिनिधियों को सुना जो किसान के पक्ष लेकर यहाँ पे से कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं, उनका मांग है कि जो धान खरीदी का अंतिम समय है उसका बढ़ाया जाए और जो किसानों के साथ बर्बरता हो रही है उस पर जांच की जाए। रायपुर से कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज। सुखमा में नक्सली